नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम डेट्स के बारे में बताएंगे। जैसा कि दोस्तों आपके दो एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी से लगे हुए हैं, एक लोअर पीसीएस का है, एक मंडी परिषद का है। ये दो एग्जाम इम्पोर्टेंट हैं। तो जो लोअर पीसीएस के एग्जाम की बात हो रही है, वो जैसा कि बताया जा रहा है कि आपको इससे पहले भी काफ़ी यूट्यूब चैनल पे बताया गया है कि 30-31 मई को एग्जाम होना है मंडी परिषद का, तो ये बिल्कुल गलत है। 30-31 मई को मंडी परिषद का एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है। मंडी परिषद का एग्ज़ाम जो है, अगर 30-31 मई को होना होता तो इसकी पूरी पूरी प्रक्रिया जारी कर दी गई होती, क्योंकि 1 महीने के पहले जो है पूरी प्रक्रिया इसकी जारी कर दी जाती है। यूपी ट्रिपल एससी 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करना होता है यूपी ट्रिपल एससी को। और इस तरह से आज 6 मई हो गई है, अगर ये एग्ज़ाम होना होता तो इसकी सूचना अभी तक आ गई होती। तो 30-31 को एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ये एग्ज़ाम और डिले होगा। ये जून के सेकेंड वीक में होगा, 2 दिन का एग्ज़ाम है, सैटरडे संडे को। जो सेकेंड वीक जून के सेकेंड वीक में जो सैटरडे संडे पड़ेगा उसमें ये एग्ज़ाम होगा। और जो लोअर पीसीएस की बात हो रही है, तो लोअर पीसीएस का तो अभी तक सिलेबस ही नहीं जारी किया गया है। इसका सिलेबस मई के लास्ट में जारी किया जाएगा, और सिलेबस जारी करने के बाद कम से कम 1.5 महीने का टाइम चाहिए छात्रों को तैयारी करने के लिए। तो अगर ये सिलेबस 30-31 मई तक आ जाता है तो आप ये लगा के चलिए कि इसका एग्ज़ाम जो है जुलाई के सेकेंड वीक या जुलाई के लास्ट तक इसका एग्ज़ाम होगा। इसमें अभी अच्छा खासा टाइम है आपके पास। और लोअर पीसीएस, क्योंकि पीसीएस पीसीएस से लोअर लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसमें आपको जो पद हैं इसके वो काफ़ी अच्छे पद होते हैं, ऑफिसर्स के पद होते हैं। तो इसका एग्ज़ाम आराम से आप लोग दीजिए और तैयारी इसकी अच्छे से कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, और इसके बारे में जो भी और अन्य जानकारी मुझे प्राप्त होगी मैं आपको इसके बारे में अवगत करा दूंगा वीडियो के माध्यम से। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।